ओके ठीक है। तो जो न्यूमरोलॉजी है वो सीखना बहुत ही आसान है, और सबसे बड़ी बात है कि इसको अप्लाई करना उससे भी आसान है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती, हम बहुत ही इजीली इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन एक्सपेंसिव रेमेडीज, नो डाउट न्यूमरोलॉजी में भी हम आपको रेमेडीज देते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत कम खर्च में या फिर बिना खर्च किए भी आप बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारे उपाय करके अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। ठीक है, और क्विक रिजल्ट, न्यूमरोलॉजी में ऐसा देखा गया है कि इसके जो रिजल्ट्स के लिए आपको सालों वेट नहीं करना पड़ता। अगर आप नेम करेक्शन भी करते हैं, मोबाइल नंबर भी चेंज करते हैं, तो आप बहुत ही कम टाइम में इसका जो इम्पैक्ट है अपनी लाइफ में देखने लगते हैं। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में आपको न्यूमरोलॉजी का जो इम्पैक्ट है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी लाइफ में भी मैंने इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में मुझे कोई बहुत टाइम नहीं लगा। ठीक है, चाहे मैं उसकी प्रोस्पेरिटी की बात करूँ, चाहे करियर की बात करूँ, या डिजीज की या रिलेशनशिप की, बहुत सारी चीजें जो आपको क्विक रिजल्ट देने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, शॉर्ट टर्म सक्सेस, इसके लिए आपको कोई बहुत सालों की विद्या या ज्ञान नहीं चाहिए। नो डाउट न्यूमरोलॉजी एंडलेस है, मैं नहीं कह रही कि आप 2 महीने में एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे, और ऐसा नहीं है। बट हाँ, आप अपनी जो करियर की शुरुआत है या फिर अपनी इसको न्यूमरोलॉजी को सीखने के बाद जो इम्प्लीमेंट आपको करना है, वो आप कुछ ही टाइम में इस कोर्स को खत्म करने के बाद ही सीख सकते हैं। ठीक है, उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत साल वेट करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि देखिए, एस्ट्रोलॉजी में तो क्या होता है, बहुत सालों की तपस्या होती है, राइट? आप 1-2 महीने में एक एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, आपको बहुत साल चाहिए उसको सीखने के लिए, बहुत डेप्थ में जाने के लिए। न्यूमरोलॉजी में भी चाहिए, नो डाउट, बट इसकी टेक्निक्स इस तरह की हैं कि आप इसको बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से सीख के आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमरोलॉजी जो है नंबरों की स्टडी है। न्यूमरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नंबर्स एंड देयर मीनिंग्स, राइट? मतलब जो 1 से 9 तक के नंबर हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं। नंबर टोटल न्यूमरोलॉजी में 9 ही होते हैं। अब आप कहेंगे कि 9 से आगे भी तो नंबर होते हैं, जैसे 10 नंबर है, तो 10 नंबर को अगर हम टोटल करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, इसी तरह से 11 नंबर को टोटल करते हैं तो 2 आता है। तो हर नंबर को हमें सिंगल डिजिट पे लेके आना है। सिंगल डिजिट पे लेके आने के बाद 1 से 9 तक के ही नंबर होते हैं, तो 1 से 9 तक के नंबर की हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, नंबर्स आर एवरीवेयर एंड दे इन्फ्लुएंस ह्यूमन ह्यूमन लाइफ। हम नंबरों से घिरे हुए हैं। ठीक है, हमारे चारों तरफ नंबर ही नंबर हैं। कैसे? देखिए, आज अगर हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में भी नंबर है, अगर हम घर घर में हैं तो घर का भी एक नंबर है, हाउस नंबर, राइट? अगर हम कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो व्हीकल का भी अपना एक इंडिविजुअल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से मोबाइल में पासवर्ड डाल रहे हैं उसका भी नंबर है, एटीएम पिन है तो उसका भी नंबर है, डेबिट कार्ड का भी नंबर है, सब कुछ नंबरों का ही तो खेल है। तो हम चारों तरफ नंबरों से घिरे हुए हैं। तो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि क्या इन नंबरों का हमारी लाइफ में कोई इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, क्योंकि नंबरों के बिना कुछ भी नहीं है। आज कुछ भी व्हीकल भी खरीदना है तो सबसे पहले नंबर प्लेट देखते हैं, क्योंकि एक नंबरों से ही इंसान की पहचान है। ठीक है, आज व्हीकल नंबर से ही उस व्हीकल की पर्टिकुलर पहचान है। कोई भी मोबाइल नंबर है तो आपको किसी को कांटेक्ट करना है तो पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से ही करेगा, और उसकी अपनी वाइब्रेशंस है। हम लोग कभी नहीं सोचे कि क्या मोबाइल नंबर से भी हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, बहुत पड़ता है। ये मैंने पर्सनली फील किया है, इवन मैंने ही नहीं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अपनी लाइफ पे डायरेक्टली इनका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है। ठीक है, हर नंबर एक वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है, वो मैं आगे बताती हूँ आपको कैसा है। ठीक है, जो न्यूमरोलॉजी का यूज है, ठीक है, न्यूमरोलॉजी के यूज से हम क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जैसे किसी की पर्सनैलिटी के बारे में हम उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे हम पता लगा सकते हैं, या फिर उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, उसका जो फ्यूचर है, उसका प्रोफेशन है, ये सब हम न्यूमरोलॉजी से पता लगा सकते हैं। ठीक है,
नंबर यूज इन न्यूमरोलॉजी आर 1 to 9 कॉल्ड मेजर नंबर. जो 1 से 9 तक के नंबर होते हैं उसको मेजर नंबर कहते हैं, और जो 11, 22 इस तरह के जो नंबर डबल अंक में आते हैं उनको हम मास्टर नंबर कहते हैं. और हर नंबर की अपनी ही एक वाइब्रेशन है. तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आप ये कोर्स करने के बाद एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं. आप इसको प्रोफेशनली कर सकते हैं, ठीक है. ये कोर्स करने के बाद आप इसको प्रोफेशनली भी स्टार्ट कर सकते हैं. न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम अपना जो फ्यूचर है या पास्ट है या प्रेजेंट है उसका पता लगा सकते हैं. न्यूमरोलॉजी में हम पर्सनल ईयर, ठीक है, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट, उसके थ्रू हम अभी हमारा टाइम कैसे चल रहा है या फिर आने वाला टाइम कैसा है उसका हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं, ठीक है. अब देखिए, न्यूमरोलॉजी में जो नंबर है, मैंने आपको बताया कि 1 से 9 तक के जो नंबर होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो मैं आपको 1 by 1 बताती हूँ. आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है. आपके पास अगर एक कॉपी पेन है तो आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं. नहीं है तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप ले आइए. मैं चाहती हूँ कि इस वेबिनार के बाद भी आपको थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी का जरूर पता चले. आप कोर्स नहीं भी करते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए. मनप्रीत जी का क्या मैसेज आया, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जेम स्टोन्स डालने चाहिए. ओके, देखिए मैम, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम आपको जेम स्टोन नहीं बताते. बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जो हम इसको एज रेमेडी बताते हैं, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है. तो चलिए, आशा करती हूँ आप लोगों ने डायरी पेन ले लिया होगा. तो अभी मैं आपको 1 to 9 नंबर्स के बारे में बताऊंगी. आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है. तो देखिए, सबसे पहले जो नंबर है वो है नंबर 1, नंबर 1. नंबर 1 किसका है? नंबर 1 है सूर्य का, सन का नंबर, ठीक है. सन किसको रिप्रेजेंट करता है? फायर को, फायर एलिमेंट, ठीक है. तो देखिए, नंबर 1 जो है, एक नंबर एकदम स्ट्रेट है, राइट. सन, सूर्य, ठीक है, एकदम खड़ा है. आज हम देखते हैं तो सूर्य जो है, सन जो है, सन आसमान में सुबह सन का जो टाइम है उस टाइम पे सन डेली उदय होता है, और जो शाम का टाइम है उस टाइम पे डेली सन अस्त भी होता है. तो हम लेट हो सकते हैं, बट सूर्य कभी लेट नहीं होता अपने टाइम से. उसका जो फिक्स टाइम है उसमें वो हमेशा खड़ा रहता है, एक लीडर की तरह, राइट. सूर्य की लीडरशिप क्वालिटी है. जिस किसी भी पर्सन का बर्थ 1 तारीख को हुआ है या फिर 10 तारीख को हुआ है या फिर 19 तारीख को हुआ है, उन सबका जो मूलांक या भाग्यांक जो है वो है 1 नंबर. वो 1 नंबर से रूल करते हैं, ठीक है. तो मैं आपको आगे भी बताऊंगी मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालना है, आप निकाल सकते हैं. तो अभी तो हम सिर्फ नंबरों के बारे में जान रहे हैं कि जो भी 1 नंबर से रूल करता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है. ऐसे इंसान में लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, ठीक है. ये कहीं ना कहीं टॉप पोजीशंस पे ही आपको मिलेंगे, चाहे आप कॉर्पोरेट में ले लो, चाहे आर्मी में ले लो, ठीक है. ऐसे लोगों को आप डोमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि खुद ही एक लीडर है. बहुत साहसी होते हैं ऐसे लोग, 1 नंबर वाले लोग बहुत करेजियस, बहुत साहसी होते हैं और हमेशा इनिशिएटिव लेना जानते हैं, ठीक है. किसी चीज की शुरुआत करना जानते हैं. एक होता है ना कि कोई भी काम है उसमें हमेशा इनिशिएट लेना, यही तो एक लीडर की क्वालिटी है, ठीक है. और इनका जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है बहुत अच्छा होता है, जो भी लोग 1 नंबर से रूल करते हैं, ठीक है. तो मैं आपको ये ब्रीफली बता रही हूँ, इसमें बहुत कुछ है बताने को. अगर मैं आपको सिर्फ सन के बारे में, सिर्फ 1 नंबर के बारे में बताऊं तो शायद मैं 2 घंटे ले सकती हूँ. तो अभी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होते हुए मुझे आपको सारे नंबर्स के बारे में बताना है. तो अभी चलते हैं हम नंबर 2 पे, ठीक है. तो जो नंबर 2 है वो क्या है? मून को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा, ठीक है. चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लेनेट है, ठीक है. चंद्रमा को हम इसमें न्यूमरोलॉजी में क्वीन भी कहते हैं. और इसका जो एलिमेंट है वो है वाटर, ठीक है. वाटर को रिप्रेजेंट करता है, पानी को, मन को. चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, ठीक है. जो भी लोग 2 नंबर से रूल करते हैं, जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 2 होता है, ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं. क्योंकि क्वीन का नंबर है ना 2 नंबर, तो ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं,
ठीक है, इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है और बहुत कॉपरेटिव होते हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर होते हैं, ठीक है, बहुत पीसफुल होते हैं। आज जो पानी पानी को अगर आप देखें, पानी का नेचर कैसा है, कभी भी आप पानी के पास जाके बैठ जाइए, आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत शांति का अनुभव होगा। ठीक है, एक जो क्वीन है, लेडी है, फीमेल है, वो भी बहुत सॉफ्ट नेचर की होती है ना, तो उसी तरह से दो नंबर वाले बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनका इंट्यूशन पावर के लिए ये लोग जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये दो नंबर का था। अभी हम बात करते हैं तीन नंबर की। देखिए, जो तीन नंबर है ये न्यूमरोलॉजी में बहुत ही ब्लेस्ड नंबर है, और अगर हम एस्ट्रोलॉजी की भी बात करें तो जो तीन नंबर है वो जुपिटर का गुरु का नंबर है, इनको देवताओं के गुरु भी बोलते हैं, ये बहुत ही ब्लेस्ड नंबर है तीन नंबर। ठीक है, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज होता है हर चीज का, बहुत अच्छे काउंसलर भी होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, जॉय ऑफ गिविंग, ऐसे लोग देने में बहुत बिलीव करते हैं, इनको बहुत खुशी होती है किसी के लिए कुछ करने में। ठीक है, बहुत क्रिएटिव होते हैं, और तीन नंबर वालों की जो इमेजिनेशन पावर है दैट इज ब्रिलियंट, आई मीन एक्सीलेंट। ठीक है, बहुत अच्छी इमेजिनेशन होती है ऐसे लोगों की, जो लोग भी तीन नंबर से रूल करते हैं। ठीक है, जिनका भी मूलांक या भाग्यांक तीन है। ठीक है, आगे चलते हैं हम चार नंबर पे। चार नंबर बहुत ही कमाल का नंबर है ये, चार नंबर राहु का नंबर है। ठीक है, इसमें न्यूमरोलॉजी में हम इसको पुलिस वाला गुंडा भी कहते हैं, दबंग आदमी। मूवी देखिए ना आपने, दबंग, हुड़ दबंग दबंग, उसी तरह से। तो चार नंबर एक राहु का नंबर है, इसको हम पुलिस वाला भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत कंस्ट्रक्टिव होते हैं, इनके डिसीजन जो है बहुत ही लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब ये चूंकि राहु का नंबर है तो ये बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, नो डाउट थोड़े आर्गुमेंटेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं चार नंबर के बारे में। और जो चार नंबर है, दिस इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, ऐसे लोग बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज नंबर फाइव, पांच नंबर। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो जो मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर है ना, वो है नंबर फाइव। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में सारे नंबर एक तरफ और पांच नंबर एक तरफ, क्योंकि पांच नंबर अगर हम देखें लोशो ग्रिड में, आगे मैं आपको दिखाऊंगी लोशो ग्रिड। ठीक है, आप लोग काफी तो जानते होंगे, तो लोशो ग्रिड में पांच नंबर जो है वो एकदम सेंटर में आता है। ठीक है, एकदम बीच में आता है सब नंबर्स के, तो इसको ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। ठीक है, तो पांच नंबर हमारी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो आपके लोशो ग्रिड में पांच नंबर का होना बहुत जरूरी है, और यही नंबर मिसिंग होता है। ठीक है, तो ये मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है, बुद्धि का नंबर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, और ऐसे लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत साउंड नॉलेज होता है इनको अपने सब्जेक्ट का, बहुत ही मतलब फ्रीडम वाली लाइफ ये लोग चाहते हैं, बहुत फ्री रहते हैं, बहुत कैजुअल रहते हैं, ज्यादा लोड नहीं लेते हैं। ठीक है, आया राम तो आया राम, गया राम तो गया राम, उस तरह की बात होती है इनके साथ में। ठीक है, और ऐसे लोग काफी प्रोग्रेस करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, पांच नंबर वाले अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करते हैं, और इनके बहुत ही बैलेंस्ड इमोशन होते हैं, ना तो बहुत ज्यादा खुश ना बहुत ज्यादा दुखी। जो हो गया ठीक है, अगर ट्रेन में गए हैं, ट्रेन पकड़ी तो ठीक है, छूट गई तो भी चिल रहते हैं, इनको ज्यादा लोड नहीं लेते लाइफ में। पांच नंबर वाले ऐसे होते हैं, अगर आपका पांच नंबर है तो आप नोटिस कीजिएगा अपना नेचर। ठीक है, तो पांच नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम न्यूमरोलॉजी में एयरपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब एयरपोर्ट क्यों कहते हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। नेक्स्ट जो नंबर है वो है नंबर सिक्स, दैट्स वीनस, शुक्र, शुक्राचार्य, ये दानवों के गुरु हैं शुक्र, वीनस। ठीक है, तो ये बहुत बहुत अच्छा नंबर है ये छह नंबर, और ऐसे लोग बहुत ही बैलेंस्ड रहते हैं, ये होम एंड फैमिली का भी नंबर है। जो भी छह नंबर वाले लोग होते हैं अपनी फैमिली से दूर नहीं रह पाते, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, और ये लव का भी नंबर है। ठीक है, ऐसे लोगों का ऑपोजिट सेक्स के प्रति बहुत अट्रैक्शन भी होता है। ठीक है, ऐसे लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी फैमिली को लेके,
ठीक है, अपने घर को लेके, और बहुत क्रिएटिव भी होते हैं आर्टिस्ट। आप जितने भी बॉलीवुड स्टार देखेंगे उनमें काफी लोग आपको मिल जाएंगे जो 6 नंबर से रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर 7, केतु। ठीक है, केतु को हम छाया ग्रह भी कहते हैं, राहु राहु भी इसी तरह से केतु। ठीक है, ऐसे लोग जो 7 नंबर वाले लोग हैं, दे आर वेरी एनालिटिकल, बहुत एनालिसिस करते हैं हर चीजों का, बहुत डीप में जाते हैं, बहुत डीप रिसर्च करना, स्टडी करना। जिन लोगों का भी मूलांक या भाग्यांक 7 होता है, ऐसे लोग किसी ना किसी खोज में लगे ही रहते हैं। आई मीन दे आर नेवर सेटिस्फाइड। और अगर इनके ग्रिड में 4 नंबर नहीं है तो और भी ज्यादा इनमें कुछ ना कुछ ढूंढने की रहती है, मतलब कभी सेटिस्फाई नहीं होते। ठीक है, तो हमेशा किसी ना किसी चीज को ढूंढते रहेंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स। ऐसे लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती है लाइफ में। इस नंबर को हम धोखे का नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे आपके मोबाइल का टोटल नंबर 7 आ रहा है, तो आपको बहुत लोगों से धोखा मिलता होगा। अभी मत कैलकुलेट कीजिए, बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, तो जिनका भी 7 नंबर है, ऐसे लोगों को बहुत लाइफ में धोखा मिलता है। ठीक है, किसी ना किसी तरह से धोखा मिल ही जाता है, छोटी छोटी चीजों में मिल जाएगा। ठीक है, इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। नेक्स्ट नंबर इज 8, सैटर्न। शनि का नंबर है ये। ठीक है, शनि 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 चलने वाला। इनकी चाल बहुत धीरे होती है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ऐसे लोग धीरे धीरे लगे रहते हैं और आखिरकार अपनी मंजिल को पार कर लेते हैं। बट इनकी लाइफ के लिए एक कहा जाता है कि सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड। ठीक है, डिले जरूर आता है इनके हर काम में, बट सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। शनि का नंबर है, लेबर का नंबर है, तो ये लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, नो डाउट। ठीक है, ये एक मेटेरियलिज्म का भी नंबर है। ठीक है, पावर का, पोजीशन का, मनी का, नो डाउट। ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है, बट ऐसे लोगों के पास भी एक पावर होती है, एक पोजीशन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर इज नंबर 9, ये लास्ट नंबर है और बहुत ही कमाल का नंबर है। सारे नंबर एक तरफ और 9 नंबर एक तरफ। ठीक है, 9 नंबर वाले लोगों के लिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोग या तो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, ये हनुमान जी का नंबर है। ठीक है, मार्स मंगल, मंगल का नंबर है। ऐसे लोग बहुत ही प्योर सोल होते हैं और इनकी जो टॉलरेंस पावर है बहुत अच्छी होती है, फॉरगिवनेस, हमेशा दूसरों को माफ करना जानते हैं, दूसरों की सेवा में रहना। आप 9 नंबर वाले देखेंगे, ऐसे लोग हमेशा दूसरों के लिए सोचेंगे। बहुत सारे जो लीडर्स हैं या फिर जो एनजीओ चलाते हैं लोग, ठीक है, ऐसे लोग आपको एनजीओ में भी मिलेंगे, या फिर सोसाइटी के लिए कुछ काम करने वाले लोग आप 9 नंबर वालों को देखेंगे, तो ऐसे लोग आपको समाज सेवा में ही मिलेंगे, क्योंकि एक ह्यूमैनिटी का नंबर है, ह्यूमैनिटेरियन नंबर, मानवता का नंबर है। ठीक है, और 9 नंबर और 3 नंबर वाले लोगों के लिए ये कहा जाता है कि इनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो 3 और 9 नंबर वाले लोग हैं ना, दे आर वेरी ब्लेस्ड। ठीक है, जब जब भी ये नॉनवेज खाएंगे, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो चलिए, थोड़ा बात कर ली जाए आप लोगों से। कोई कुछ कहना चाहता है अभी तक, जो भी मैंने आप लोगों को बताया? फिर हम आगे चलते हैं, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो। मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग पढ़ने के लिए आए हैं, कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा। चलिए ठीक है, तो फिर आगे चले। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अभी किसी का मैसेज आया कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम रेमेडीज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारी रेमेडीज हैं। ठीक है, नेम करेक्शन, मोबाइल नंबर और अपना व्हीकल नंबर, इनके अलावा और भी जो मिसिंग नंबर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं मिसिंग नंबर, मैं आपको बताती हूँ। उन मिसिंग नंबर्स की अगर हम रेमेडीज कर लेते हैं, तो हम बहुत ही अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है लोशु ग्रिड है। ठीक है, इसी पे ही हमारी जो न्यूमरोलॉजी है वो टिकी हुई है, इसको हम बेस कह सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए ये आप देख रहे होंगे कछुए की पीठ पे कुछ नंबर्स बने हुए हैं। ये नंबर बहुत ही मैजिकल नंबर है, ये कोई आम नंबर नहीं है, ठीक है। इन्हीं नंबर के बेसिस पे हम लोग प्रिडिक्शन भी करते हैं। बहुत साल पहले, हजारों साल पहले कहा जाता है कि चाइना में एक बहुत ही महान संत हुए जिन्होंने बहुत साल तपस्या की, ठीक है। बहुत साल तपस्या करने के बाद भी उनको कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की चोटी इस तरह से उन्होंने चेंज करते रहे, ठीक है। फिर उनको बहुत सारी तपस्या करने के बाद 7 दिन लगातार वहां पे बरसात हुई, और कहा जाता है कि वो जो बरसात हुई एकदम नॉन स्टॉप थी, ठीक है, कंटिन्यू 7 डेज। और उसके बाद उनको एक बहुत बड़ा विशाल का एक कछुआ दिखता है, ठीक है। उस कछुए की पीठ पे कुछ नंबर्स होते हैं जो कि इस फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4923578 16 इस तरह से कछुए की पीठ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि नंबर्स को देखा, उन्होंने सोचा कि शायद मैंने बहुत साल तपस्या की है, हो सकता है भगवान मुझे कुछ देना चाहते हो, कोई आशीर्वाद देना चाहते हो, ठीक है। तो उन्होंने इन नंबर्स को डिकोड करना स्टार्ट किया और पता लगाया कि जो ये 492 है, ठीक है, ये जो 492 है ये क्या है, ये जो पूरा लोशु ग्रिड है ये एक ह्यूमन बॉडी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ऊपर वाला है ये क्या हेड है, और जो मिडल है 357 ये स्टमक है, और ये जो 816 है ये क्या है, लेग्स है, ठीक है। तो लोशो ग्रिड इसी तरह से होता है, इसी फॉर्म में होता है, ये नंबर कभी आगे पीछे नहीं होते। जहां पे 4 लिखा हुआ है वो वहीं पे ही लिखा रहेगा, जहां 9 है तो वहां पे 9 ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम एक लोशो ग्रिड बनाते हैं। देखिए जब भी आप एस्ट्रोलॉजी में अगर आप प्रिडिक्शन करते हैं तो आप एक कुंडली बनाते हैं, ठीक है, उसी तरह से हम न्यूमरोलॉजी में ये न्यूमरोस्कोप बनाते हैं, ठीक है। ये नेटल चार्ट आप कह सकते हैं, ये लोशो ग्रिड आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक लोशो ग्रिड बनाते हैं हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और फिर उससे हम प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। इस लोशो ग्रिड में अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग प्लेन्स हैं, ठीक है, 3 वर्टिकल प्लेन है, 3 हॉरिजॉन्टल हैं और 2 डायगोनल प्लेन है, ठीक है। इस तरह से 8 प्लेन्स होते हैं, 4389512 16, ठीक है। 438 जो है इसको हम थॉट प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा काम करते हैं जिनके भी 438 है। अपने जो शीला दीक्षित जी थे, शीला दीक्षित जी, उनके भी 438 लोशो ग्रिड में है, ठीक है। और जो 951 है इसको हम विल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। इन लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रोंग होती है जिनके भी 951 होता है। और 276 लास्ट इज एक्शन प्लेन, ठीक है, इसको एक्शन प्लेन कहा जाता है। और ये आप हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो 492, ठीक है, इसको हम मेंटल प्लेन कहते हैं। ऐसे लोगों का माइंड बहुत शार्प होता है, मेमोरी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मेमोरी, ठीक है। 357 वाले लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है, कई कई बार इनको इमोशनल फूल भी कहा जाता है जिनके ग्रिड में 357 पूरा होता है, ठीक है। 816 ये प्रैक्टिकल प्लेन है, ठीक है, ऐसे लोग बिजनेस करते हैं, इसको बिजनेस रो भी कहा जाता है। और हमारे 2 डायगोनल प्लेन है, 258 एंड 456, ठीक है। ये जो प्लेन्स हैं इनको हम कोर्स में बहुत डेप्थ में स्टडी करेंगे, क्योंकि जो सारी न्यूमरोलॉजी है वो इसी पे ही टिकी हुई है। तो चलिए आप लोग अपना कॉपी पेन ले लीजिए, मैं आपको आपका मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मूलांक कैसे निकालना है और भाग्यांक कैसे निकालना है, आप लोग चाहें तो अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लें, और साथ में जो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। आज आप अपना मूलांक और भाग्यांक निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया है वो लिया है 25/12/1983, 25th of December 1983, 1983, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 25/12/1983। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो मूलांक होता है जिसको हम साइकिक नंबर भी कहते हैं या फिर ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, ठीक है। आप जब 25/12/1983 इसमें से जब आप 25 को टोटल करेंगे, जो आपका डेट है,
ठीक है, तो वो क्या आपका निकलता है, ड्राइवर नंबर। 25 को टोटल किया, 2 and 5 इज इक्वल्स टू 7, तो ये आ गया आपका 7 नंबर। इसको हम मूलांक भी कहते हैं, साइकिक नंबर भी कहते हैं और ड्राइवर भी कहते हैं। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो फर्स्ट या तो एक डिजिट है तो वही हो गया। जैसे अगर मेरा बर्थ 9 मई को आता है तो जो मेरा 9 नंबर है वो मेरा ड्राइवर नंबर है। अगर डबल डिजिट में है तो उसको टोटल करके आप सिंगल पे ले आइए, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है ड्राइवर नंबर, जिसको मूलांक कहते हैं। और भाग्यांक कैसे निकालते हैं, जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसको पूरी को टोटल कर लीजिए। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए दे रखा है 25th of December 1983, इसमें से 2 + 5 1 + 2 और 1983 को भी टोटल करके इसका टोटल आ गया 31। 31 को अगेन हमने सिंगल डिजिट पे लाए तो आ गया 4, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका निकल गया भाग्यांक, मूलांक और भाग्यांक। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी इस तरह से निकाल सकते हैं। निकाल लिया सबने? किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान के चल रही हूँ आप सबको मूलांक और भाग्यांक निकालना आ गया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। ओके, कूल इनफ। नेक्स्ट इज कुआ नंबर, जिसको हम एंजल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। अब एंजल नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए एंजल नंबर अलग होता है, ठीक है। आपका जो सेंचुरी नंबर है, जिस भी साल में आपका जन्म हुआ है, जैसे किसी का जन्म हुआ है 1983, तो उसका कुआ नंबर कैसे निकालेंगे हम, जो 1983 है उसको टोटल कीजिए, उसका टोटल करने पे आएगा 3, ठीक है। जो भी आपका सेंचुरी नंबर है, जिस भी साल में आपका जन्म हुआ है, चाहे 1983 में है या 4 में है, ठीक है, उसको आप टोटल करेंगे और सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। तो जो भी नंबर आएगा, जो भी मेल है, पुरुष है, उनका तरीका अलग है, वो मैं बताती हूँ। पहले आप मेल के लिए लिख लीजिए, आपको मेल के लिए 11 में से माइनस करना है इसको, ठीक है, 11 में से माइनस करना है। 11 में से माइनस करने पे जो भी नंबर आता है वो आपका एंजल नंबर होता है, ठीक है। जैसे अगर आपका 1983 का टोटल 3 आया, तो 11 में से 3 माइनस किया तो 8 आ गया, वो क्या हुआ आपका कुआ नंबर। और अगर किसी का 1984 है, ठीक है, तो उसको प्लस करेंगे, तो उसको 11 में से माइनस करेंगे। ये तो हो गया मेल के लिए। अब फीमेल के लिए कैसे निकालेंगे, फीमेल के लिए 11 में से माइनस नहीं करना, फीमेल के लिए आपको 4 जोड़ना है, ठीक है। जैसे 1983 को प्लस किया तो 3 आया, अब 3 में आप 4 को ऐड करेंगे। फीमेल के लिए हमेशा 4 को ऐड करेंगे सेंचुरी नंबर में, ठीक है। सेंचुरी नंबर को सिंगल डिजिट पे लाके 4 को प्लस करना है, तो वो आपका कुआ नंबर आ जाएगा। लोशो ग्रिड में हम इस कुआ नंबर को भी लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको एक आज एक बहुत अच्छी टिप्स देने जा रही हूँ एंजल नंबर के।
जो भी आपका एंजल नंबर आपने निकाला है, कुआ नंबर निकाला है, उसको आप पृष्ठ पे लिखें यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन पेन से, ऑलवेज ग्रीन पेन से। ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। आप अगर कुआ नंबर को लिखते हैं, एंजल नंबर को, अपनी रिस्ट पे जहां पे हम घड़ी बांधते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ग्रीन पेन से, ठीक है, आप इसको डेली लिखें, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। ठीक है, आज से आप इसको शुरू कर दें और कुछ दिन में आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका हेल्थ भी डाउन है तो भी आपको उसके लिए बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर निकालना देखा। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया मूलांक और भाग्यांक, ठीक है, तो जो लाइफ के फर्स्ट 35 to 40 इयर्स हैं, उन सालों में जो हमारा मूलांक है वो काम करता है। ठीक है, इनिशियल 40 इयर्स जो हमारी लाइफ के हैं वो ड्राइवर का रोल होता है, और जो लास्ट के 35 to 5 साल आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल इंसान की उम्र 80 साल रह गई है ना, 80 इयर्स, तो उस हिसाब से हमने आधी लाइफ को मूलांक में और आधी लाइफ को हमने भाग्यांक में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इनिशियल 40 इयर्स मूलांक का काम होता है, मूलांक से वो रूल करते हैं, और लास्ट के जो 40 इयर्स हैं वो भाग्यांक से रूल करते हैं। ठीक है, 5 साल प्लस माइनस कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम मैं इसमें मैंने नरेंद्र मोदी जी का एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 17 सितंबर 1950। ठीक है, तो इनका जो ड्राइवर नंबर है वो है 8, और जो इनका कंडक्टर नंबर है वो है 5। तो देखिए, ड्राइवर नंबर 8 होने की वजह से इन्होंने बचपन में बहुत स्ट्रगल किया, सब जानते हैं। ठीक है, ड्राइवर नंबर 8 होने की वजह से इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बट जैसे ही इनका कंडक्टर एक्टिवेट हुआ 35-40, तब ये सीएम बन गए। ठीक है, इन्होंने खुद ने ही नहीं सोचा था कि कभी ये सीएम भी बन पाएंगे, और उसके बाद आज आप देख सकते हैं। तो ये 5 नंबर का कमाल है, 5 नंबर आपको कहां से कहां ले आया। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का जो नेम स्पेलिंग है वो भी 5 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो नंबरों का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में नंबरों का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको एक और बहुत अच्छा इसमें बताने जा रही हूँ, जो आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं और इन नंबरों का बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, जिसका भी मूलांक या भाग्यांक 1 है, ठीक है, उनका जो नॉन कंपैटिबल नंबर है वो है 8, 8। ठीक है, मतलब आप दुश्मन कह सकते हैं, अगर आप आपका मूलांक या भाग्यांक 1 है तो आपका दुश्मन 8 है, 8 नंबर वाला। ठीक है, तो 1 नंबर वाला कभी भी 8 नंबर वाले बंदे से शादी नहीं करेगा या फिर पार्टनरशिप, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। 1 नंबर इज सूर्य, 8 नंबर इज शनि, पूर्व और पश्चिम, ठीक है, अपोजिट साइड्स, राइट, क्योंकि जो शनि थे वो सूर्य के पुत्र तो थे, बट उनसे बहुत उनका क्या कहते हैं हम इसको, बहुत अलगाव भी था। ठीक है, और कभी भी शनि भगवान ने इनको कभी वो नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, इसलिए सूर्य और शनि को बहुत अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, ये इनके पुत्र थे, बट पुत्र होने के बावजूद भी अगर किसी फादर का नंबर 1 है और उनके बेटे का नंबर 8 है, तो आप देखिए हमेशा एंटी रहेंगे, या तो एंटी रहेंगे या फिर छोटी उम्र में पिता की मृत्यु हो जाती है, या फिर ये बहुत अलग अलग रहते हैं, बहुत डिस्टेंसेस होती है इनकी किसी भी कारण की वजह से। ठीक है, अगर एक टीवी देख रहा है तो दूसरा टीवी छोड़ के चला जाएगा, 1 और 8 नंबर वाले इस तरह से होते हैं। ठीक है, आपस में दुश्मन। ठीक है, इसी तरह से जो 2 नंबर है उनका दुश्मन कौन है, 6 and 2, 6 और 2। ठीक है, 2 नंबर वालों का 6 and 2।
और जो तीन नंबर वाले हैं उनका सिक्स, तीन नंबर जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं और छह नंबर जो हैं वो दानवों के गुरु हैं, ये दोनों अपोजिट हैं। 36 का आंकड़ा भी बोलते हैं ना 3 and 6 को, ठीक है, 3 and 6 इज 36 का आंकड़ा, ठीक है, ये कभी दोस्त नहीं बन सकते। बट सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अपोजिट नंबर्स अट्रैक्ट ईच अदर्स, जो भी एंटी नंबर्स होंगे ना वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, इनकी शादी भी हो जाती है, इनफेक्ट 4 के 8 वालों से शादी हो जाती है, बट फिर बाद में क्या होता है ये तो फिर आप जानते हैं, ठीक है। तो अपोजिट नंबर्स अट्रैक्ट ईच अदर्स, इनकी दोस्ती भी बहुत अच्छी होती है शुरू शुरू में, ठीक है, बट आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अब जैसे नेक्स्ट इज नंबर 4, नंबर 4 का एनिमी कौन है, 9 2, 9 and 2, ठीक है, और 4 and 8, चार नंबर 4 और 8 वालों के बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। आप 2 में 9 भी लिख लीजिए, है ना, 2 में नॉन कंपेटेबल में आप 9 भी लिख लीजिए, क्योंकि 2 क्या है, पानी, और 9 क्या है, आग, आग में पानी डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इसलिए 2 और 9 नंबर भी आपस में एंटी हैं, ठीक है। तो 4 नंबर का लिख लिया आपने 9 2 4 and 8। अब देखिए जो 5 नंबर है, बुध का नंबर, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ब्लेस्ड नंबर है, ठीक है, इनका कोई भी दुश्मन नहीं है, 5 नंबर वालों की सबसे बनती है, क्यों बनती है, क्योंकि जो 5 नंबर है वो एक प्रिंस का नंबर है, एक बच्चे का नंबर है, ठीक है, बच्चों की तो किसी से भी दुश्मनी नहीं होती, राइट, तो इसीलिए 5 नंबर हर किसी के लिए ब्लेस्ड है, 5 नंबर वालों के सब दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 6, नंबर 6 का एंट्री है 3 और 9, 3 नंबर मैंने बताया 36 का आंकड़ा, 3 और 9, ठीक है, 9 दुश्मन नहीं है बट 9 के साथ में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं जब 6 के साथ होता है, ठीक है, इनको हम डिटेल में आगे कोर्स में स्टडी करेंगे, एक एक चीज को कैसे है, क्यों है, क्या लॉजिक है, वो सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एंड जो नंबर 7 है उसका भी कोई एनिमी नहीं है, ठीक है, 7 नंबर का भी कोई दुश्मन नहीं है, ऐसे लोग दूसरों पे बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, जो भी 7 नंबर से रूल करते हैं ऐसे लोग दूसरों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, इसीलिए इनको धोखे मिलते हैं, ठीक है। अब जो नंबर 8 है उसका एंटी कौन है, 1 सूर्य, मैंने आपको बता ही दिया, 2 नंबर पानी, 8 नंबर क्या है, शनि, लोहा, है ना, लोहे पे पानी पड़ेगा तो जंग लग जाएगी, इसीलिए 8 का दुश्मन 2, ठीक है, एंड 9 के साथ भी प्रॉब्लम होती है, और 4 और 8, ठीक है। एंड जो नंबर 9 से लोग रूल करते हैं उनका एंटी या नॉन कंपेटेबल है नंबर 6, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 8 एंड नंबर 9। ठीक है, तो ये है नॉन कंपेटेबल नंबर, आपको इनसे हमेशा बच के रहना है, जो भी एक नंबर से रूल करता है उसको हमेशा 8 नंबर से बच के रहना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप दोस्त नहीं बनाएंगे, आप दोस्त बनाइए, दोस्ती में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट जब भी आपको शादी करनी है, पार्टनरशिप करनी है, तब आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है। अब न्यूमरोलॉजी में मैं आपको थोड़ा सा कोर्स का ब्रीफ कर देती हूँ कि कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही डिटेल में हम इस कोर्स को करने वाले हैं, और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए बेसिक न्यूमरोलॉजी, बेसिक न्यूमरोलॉजी से 0 से स्टार्ट करेंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इस कोर्स को बहुत इजीली कर सकते हैं, और बेसिक से फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है, एडवांस में बहुत सारे टेक्निक्स, टूल एंड टेक्निक्स, 100 नंबर काउंटिंग्स,
81 कॉम्बिनेशन, जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर और कंडक्टर, उनके 81 कॉम्बिनेशन, बहुत बहुत कुछ है उसमें एडवांस न्यूमरोलॉजी में, ठीक है। वो हम बहुत ही डेप्थ में पढ़ेंगे, जो मैंने 1 से 9 नंबर आपको बताया, इनको भी बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, और इनके आपस के क्या रिलेशन है उनको भी हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। लोशो ग्रिड कैसे बनाना है, कैसे उन नंबर से ब्लेसिंग्स लेनी है, ठीक है। अपना जो नेम करेक्शन है, मोबाइल नंबर है, व्हीकल नंबर है, ये सारे हम एडवांस न्यूमरोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन सा कंपैटिबल नंबर आपके लिए है, कौन सा नहीं है, उनसे कैसे ब्लेसिंग्स लेनी है। अगर हमारा जो ड्राइवर मान लो 1 आ गया और कंडक्टर 8 आ गया, ठीक है, अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है, तो ऐसे लोगों की लाइफ बहुत स्ट्रगल रहती है, तो उनसे कैसे ब्लेसिंग्स लेनी है, कैसे उसको ठीक करना है, ये हम न्यूमरोलॉजी में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम सबको भगवान ने एक डेट ऑफ बर्थ दी है, जिस भी हम यूनिक डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं, हमें सारी ब्लेसिंग्स उसी डेट ऑफ बर्थ से ही निकालनी है। कोई भी डेट ऑफ बर्थ अच्छी या बुरी नहीं होती, हमें जो मिल गई वो तोहफा है हमारे लिए, ठीक है। कोई भी डेट ऑफ बर्थ अच्छी या बुरी नहीं होती है, राइट, बट उससे हमें ब्लेसिंग्स कैसे लेनी है, उससे हमारी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म करनी है, उसको कैसे हमें सक्सेस में कन्वर्ट करना है, ये हम न्यूमरोलॉजी में सीखेंगे, ठीक है। आज तक क्या है, हम चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, हमें पता भी नहीं कि हमारा मोबाइल नंबर क्या है, या फिर हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ है। बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, राइट। तो इन छोटे छोटे चैलेंजेस को हम बहुत सारे टिप्स से, टेक्निक से, रेमेडीज से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मिसिंग नंबर्स हमारे लोशो ग्रिड में कौन कौन से मिसिंग नंबर है, ठीक है, क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ में तो कुछ नंबर ही है, कुछ कुछ नंबर तो मिसिंग होंगे, तो उन मिसिंग नंबर की वाइब्रेशन हमें कैसे लेनी है, क्योंकि देखिए हर नंबर इम्पॉर्टेंट है। 1 से 9 तक सारे अंक हमारे पास होने चाहिए, एक एक बार तो एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। कुछ अंक ऐसे हैं जो 2 बार हैं तो और भी बहुत अच्छा है, बट कई कई अंक ऐसा होता है कि हमारे चार्ट में 3 3 या 4 4 बार भी आ जाते हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उनको कैसे बैलेंस करना है, कैसे हमें नंबर्स की वाइब्रेशंस लेनी है, अपनी लाइफ में कैसे यूज करना है, इसको हम सब न्यूमरोलॉजी में पढ़ेंगे। और मैं तो ये मानती हूँ कि न्यूमरोलॉजी हर किसी को सीखनी चाहिए, ठीक है। अभी जैसे प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी हम पढ़ेंगे एडवांस के बाद में, इसमें क्या है, आप अपने जो बिजनेस का जो नाम रख रहे हैं, चाहे आपकी कोई भी छोटी सी फॉर्म है, ठीक है, अगर आपने उसका नाम सही वो अंक पे रख लिया, तो आपकी फर्म कहाँ से कहाँ जा सकती है, ठीक है। अगर आपने अपनी फर्म का नाम सही ढंग से रख लिया, तो आपकी फर्म कहाँ से कहाँ जा सकती है, ये आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, कौन सा बिजनेस चूज करना है, क्या बिजनेस आपके लिए सही रहेगा, उस बिजनेस का नाम कैसा होना चाहिए, आपको अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसका लोगो कैसा होना चाहिए, आपका विजिटिंग कार्ड कैसा होना चाहिए, कौन सा कलर आपके लिए सही है, ठीक है। ये बहुत बड़े साइंस है, हम इसको बहुत इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे पंडितों के पास गए होंगे, आपको बोलते होंगे कि ये कलर मत पहनो, वो कलर मत पहनो, आपको पता है कलर्स के पीछे भी साइंस है, वो भी हम इसमें डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा कलर आपको पहनना है, कौन सा अवॉइड करना है, आप देखेंगे बहुत सारा, जब जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष आप देखेंगे कैसे 7ों रंग लिए होता है, उस दिन हमारा मन कितना अच्छा होता है, कितना कितनी खुशी मिलती है। तो इस तरह से कलर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। बट कौन से कलर पहनने हैं, कब पहनने हैं, वो सब हम डेप्थ में स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आपके लोगो का क्या कलर होना चाहिए, आपकी वेबसाइट का क्या कलर होना चाहिए, आपका जो विजिटिंग कार्ड है वो कैसे डिजाइन करना है, ये सारा हम ब्रांडिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। सिग्नेचर एनालिसिस, आपके सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, आपको पता है सिग्नेचर देख के पता चल जाता है कि इंसान सक्सेसफुल होगा या नहीं, सिग्नेचर इतनी इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे ना, आपके सिग्नेचर ठीक करने के आपके 5,000 रुपए ले लेंगे, सिर्फ सिग्नेचर ठीक करने के। इसी तरह नेम करेक्शन के भी बहुत हाई चार्ज लेंगे आपसे, ठीक है। बट यहाँ पे इस कोर्स में आप सब कुछ सीख जाएंगे, हर किसी के एक्सपर्ट बन जाएंगे, चाहे आपका नेम करेक्शन है, चाहे मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, ठीक है, चाहे आपका व्हीकल नंबर है, आपको घर घर कौन से नंबर में रहना चाहिए आपको, अगर आप ऑलरेडी किसी घर में रह रहे हैं, चेंज नहीं कर सकते, बट उससे ब्लेसिंग कैसे लेनी है, वो भी हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम घर तो नहीं चेंज कर सकते, बहुत सालों से बना रखा है, पर अब करे तो करे क्या, ठीक
ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। अगर आपका नाम ऑलरेडी रखा हुआ है, अब आप सोच लोगे कि बिना डॉक्यूमेंट पे तो कोई ये है, मैं कैसे चेंज करूं, तो उसका भी सॉल्यूशन है। हर चीज का सॉल्यूशन है, ठीक है। लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कहते ना हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। आप यहाँ पे आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ सोच के आए होंगे। आपको लग रहा होगा कि लाइफ में जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी नहीं बात करती, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी लाइफ में कभी नहीं होती, वो चैलेंजेस होते हैं, उनको ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कोर्स जो है, ये पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन का कोर्स है, ठीक है। आपका खुद का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा इस कोर्स को करने के बाद, ट्रस्ट मी। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो मिसिंग नंबर है या फिर आपके रिपीटेड नंबर है, एक नंबर बहुत बार आ रहा है, तो उसकी रेमेडीज कैसे करनी है वो हम न्यूमरोलॉजी में पढ़ेंगे। और न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज के अलावा मैं आपको स्पेशल वर्कशॉप दे रही हूँ पिरामिड्स की। आपको पिरामिड्स का कैसे यूज करना है एज ए रेमेडी, पिरामिड्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। उन पिरामिड्स को कैसे, आप चाहें तो आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने पिरामिड्स पे एक अलग से वीडियो भी बना रखा है। तो एक स्पेशल वर्कशॉप है जो मैं आपको इस कोर्स के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। और साथ ही इस कोर्स के साथ में आपकी पर्सनल रिपोर्ट 40 से 50 पेज की आपको मिलेगी, जिसमें सारी आपकी रेमेडीज, आपके पूरे 10 साल के जो आने वाले 10 साल है वो आपके कैसे रहेंगे, कैसे उससे ब्लेसिंग लेनी है, कैसे रेमेडी करनी है, ये सारा आपको इस वर्कशॉप में, इस पूरे 1.5 महीने के कोर्स में आपको ईच एंड एवरीथिंग सिखाई जाएगी। और आप 1.5 महीने में एकदम परफेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। रजिस्टर्ड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है फलित ज्योतिष रिसर्च, इसके द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कोर्स है हमारा, ये 6 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों ने तो एनरोल करवा लिया है, बाकी कुछ करवाना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं इतना विश्वास आपको दिलाती हूँ कि कोर्स करने के बाद बहुत ट्रांसफॉर्म होगी आपकी लाइफ, ठीक है। क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, क्लाइंट्स हैं, सबको बहुत बेनिफिट मिला है इस कोर्स का, तो आप भी चाहें तो इससे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, या जो भी आपके मन में उत्सुकता है आप इसको बात कर सकते हैं। हाँ लवदीप जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी लवदीप जी बोले। हाँ वापस अनम्यूट करें। हाँ जी मैम, जी नमस्कार सर, बताएं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है और लोशन न्यूमरोलॉजी है, दोनों में डिफरेंस है? सर डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वैदिक न्यूमरोलॉजी को हम वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, और क्योंकि देखिए जो लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल आता है, राइट। तो इसलिए हम ऐसे सिखाते हैं कि अगर आप ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हैं तो भी आप इसको सीख सके, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि अच्छा ये जो न्यूमरोलॉजी है ये वैदिक से निकली है, वैदिक कुछ अलग नहीं है, वैदिक तो जननी है ना, ठीक है। जी मैम, हाँ तो ये तकरीबन वही सारे स्टार्स तो उस वही है ना? सर स्टार वही है, बट ये क्या है कि देखिए चैलिडेन जो हम इसको कहते हैं ना, जो नेम करेक्शन है वो हम चैलिडेन से करते हैं, और जो रेमेडीज है, फेंग शुई रेमेडीज है, वो इसमें सारी रेमेडी भी आप कराएंगे मैम? सब कुछ कराएंगे सर, सब कुछ। आप जिसकी बात करें सब कुछ कराएंगे, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये जो कोर्स है पूरा प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है, बेसिक से प्रोफेशनल लेवल, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं इस कोर्स के बाद। नेम करेक्शन, मोबाइल नंबर, ओके एवरीथिंग, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ आएगा इसमें। थैंक यू मैम, थैंक हाँ जी थैंक यू। यू। हाँ जी सुनील जी। मधु जी, मैं ही जानना चाह रहा था कि ये जो फीस हमें पे करनी है, कैन वी पेड इट इन लाइक मंथली बेसिस आल्सो और हाउ इट इज? हाँ सर, आप दो इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीने हमारा कोर्स चलेगा ना, तब दो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। ओके, सो आई कैन पे यू 3200 नाउ एंड 3200 आई कैन पे यू आफ्टर मंथ आल्सो? ओ यस सर, नो प्रॉब्लम। जी यस, जी फाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सुनील जी। हाँ बलविंदर कौर जी। मैम मैंने पूछना था कि अगर एडवांस करना हो कोर्स तो हाँ मैम, एडवांस? मैम एडवांस देखिए, बेसिक जो कोर्स है
बेसिक तो आपको इतना कराया जाता है कि आपको आगे की अंडरस्टैंडिंग हो, और आपने किया भी है तो आपका रिपीट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक तो एक तरह से फ्री है। मैं तो आपको प्रोफेशनल लेवल पे करवाऊंगी, ठीक है? तो बेसिक 3-4 दिन का वर्कशॉप है, उसमें कोई इतना वो नहीं है, तो ये पूरा कोर्स ही एडवांस है। हर किसी को बेसिक तो आता ही है, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हाँ, बेसिक नहीं मेरे को आता। बेसिक आता है। हाँ, हाँ, बेसिक मैंने किया हुआ है, तो मैंने सोचा एडवांस। नहीं मैम, ये पूरा इसमें एडवांस लेवल का ही सिग्नेचर वगैरह, कोर्स है। मोबाइल नंबर इसी में करवाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसी कोर्स में सब कुछ होगा, कोई भी अलग से कोर्स नहीं है। एक ही कोर्स में आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, बेसिक, एडवांस, प्रोफेशनल, ब्रांडिंग, सिग्नेचर, नेम करेक्शन, मोबाइल, सब कुछ, ठीक है, ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े। थैंक यू। वेलकम मैम। हाँ जी, नीना शाह जी। मुझे पूछना था मैम कि हम लोग ये जो शादी के लिए मिस मैच मैच करते कुंडलिया जैसे, तो इसमें भी कुछ कर सकते हैं क्या मैच? हाँ, इसमें करवाएंगे ना आपका पूरा मैरिज कंपैटिबिलिटी, आपके जो बिजनेस पार्टनर की कंपैटिबिलिटी, कौन सा बिजनेस पार्टनर आपको चूज करना चाहिए, ये सब कुछ करवाऊंगी मैं इन डेप्थ। ओके ओके जी मैम, ओके जैसे मैंने आपको बताया ना, 1 नंबर वाले की 8 नंबर से शादी होगी तो भिड़ते ही रहेंगे पूरी लाइफ। नहीं, मेरे पास एक पर्सन है, वैसे मैंने भी बेसिक किया हुआ है, हाँ, तो मेरे पास वो है, तो मैं सोचती हूँ वही जो आप बोल रहे वैसा ही हो रहा है। और 3 नंबर वाले की 6 से करवा लो आप शादी, देखो फिर क्या होता है। ठीक और है, रूम नंबर भी कुछ 8 रहा तो भी प्रॉब्लम रहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम, 8 नंबर हमेशा प्रॉब्लम देगा। हाँ, मेरा नंबर रूम नंबर 8 है, मगर मेरे लोशु ग्रेड के अंदर 8 नंबर है ही नहीं। हमारे फैमिली में, यानी हाँ मेरे, हम लोग, मेरे हस्बैंड, वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, हाँ किसी में 8 नंबर नहीं है, और हमारे घर का नंबर 8 है। अच्छा, देखिए नंबरों की ब्लेसिंग्स तो हमें मिल जाती है कहीं ना कहीं से, अगर कोई मिस भी है नंबर तो ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आपको ब्लेसिंग दे रहा है, ठीक है, बाकी हम अवॉइड ही करते हैं। हाँ, हाँ जी वही मैम, पूछूंगी। जी ओके, मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। हाँ विकास जी। हाँ, ये नाम तो नहीं पता, 8290 17। मैम, हाँ मैं जी अनु बोल रही हूँ। जैसे मेरे क्लास कभी मिस हो जाते हैं तो फिर मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे ना? बिल्कुल मैम, सारी क्लासेस की आपको सारी रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ मिलेगा, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी कोई क्लास का नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक ओके है ओके। जी कई बार मैम। ऐसा होगा ना कि मालूम मिस हो गया, तो फिर इसलिए मैंने मतलब हाँ कॉल मैम कर। बिल्कुल, आपको क्लास खत्म होते ही आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आप उस रिकॉर्डिंग को सुने, 10 बार देखें, आपके पास ही रहती है वो रिकॉर्डिंग। और जो भी डाउट होगा आपको कॉल करके भी पूछ सकते हैं ना? मैम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं हम लोग, ठीक है, हाँ, और हमारा जो भी कोर्स होता है, कोर्स के पहले जो 15-20 मिनट होते हैं, हम सिर्फ क्वेरीज ही लेते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे हम अभी ले रहे हैं ना, इसी तरह से सेशन खत्म होने के बाद और नेक्स्ट डे क्लास शुरू होने से पहले सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हम नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाते, ठीक है? जी जी मैम, एक हाँ और क्वेश्चन करना था। जैसे कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है, मैं अंक ज्योतिष सीखूंगी, तो दोनों अलग अलग तो मतलब नहीं होगा ना? मतलब नहीं मैम, आप वो मत, आप अच्छे से समझ पाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, बट मर्ज नहीं करना दोनों को, बाकी हाँ कुछ चीजें आप रिलेट कर पाएंगे बेटर वे में। जी, ठीक हाँ है, थैंक ठीक है, यू मैम। ओके, ओके ओके। हाँ सीमा बंसल जी, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सीमा जी। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे कि बच्चा है, वो 2003 बॉर्न है, पर किसी ओके रीजन से स्कूल में एडमिशन के दौरान उसको 2004 कराया गया, और ये इसका 2004 तब से कैरीड है, आई मीन इसके डॉक्यूमेंट्स भी अब 2004 के ही हो गए हैं, तो इसमें न्यूमरोलॉजी में इसको किस तरीके से देखेंगे? क्या बच्चे के साथ 2003 भी चलेगा और 2004 भी चलेगा? नहीं मैम, सिर्फ 3 चलेगा जब उसका बर्थ हुआ है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली तो जब वो पैदा हुआ था वो स्टार से तो इम्पैक्ट कर रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट में तो मैं कुछ भी लिख दूंगी तो वो मेरा डेट ऑफ बर्थ थोड़ी बन जाएगा। नहीं, जैसे मैम मोबाइल नंबर्स भी हमको अफेक्ट करते हैं, या हाउस नंबर भी अफेक्ट करते हैं, तो ये 2004 2003 तो इट्स लाइक गॉन,
साल उसके साथ 2004 रहा है। नहीं नहीं वो चल नहीं रहा, वो आपने लिखा है उसमें डॉक्यूमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, वो पड़ा हुआ है लिखा हुआ, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट उसका जो एक्चुअल प्रेडिक्शन हम करेंगे या जो भी लोशु ग्रिड बनेगा, वो उसका जो एक्चुअल बर्थ हुआ है उसी के अकॉर्डिंग होगा। अच्छा 2004 का कोई रेलेवेंस नहीं, नहीं कोई रेलेवेंस नहीं है। ओके थैंक यू मैम, माय प्लेजर मैम। हाँ विकास जी। हेलो मैम। जी नमस्ते मैम। मैम एक्चुअली मुझे इस बारे में कोई जानकारी है नहीं रिलेटेड टू दिस कोर्स, तो आई वांट टू नो एवरीथिंग, सो हाउ कैन आई गेट दिस नॉलेज फ्रॉम वेयर? आप कोर्स ज्वाइन करके नॉलेज ले सकते हैं, और आपको नॉलेज नहीं मैम एक्चुअली मैं जो परफॉर्मर होता है ना एक तरीके से प्रोस्पेक्टस, पूरा डिटेल्स कैसे है, क्या है, क्या टाइमिंग्स है, क्या चार्जेस है। आपने कहां से आपको लिंक कहां से मिला मैम? मैं सर राहुल सर की स्टूडेंट हूँ एक्चुअली। हाँ उनसे बात कर लीजिएगा, राहुल सर से बात कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। ठीक थैंक यू। ठीक है सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके मैम। ओके ओके मैम। हाँ जी और कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई किसी का कोई क्वेरी? ठीक है तो सबके डाउट्स क्लियर हैं, और कोई कोर्स से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। हाँ आप हैंड रेज कर सकते हैं, एक सेकंड। ओप्पो A5202012 एक सेकंड का टाइम दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। जी मैम। Yes. Hello ma'am. कैसे हो? I am good ma'am. Your good name? योगिता। Okay योगिता। मेरी बात हुई थी आपसे, बात हुई थी मेरी आपसे। और ये थोड़ा सा मनी का इश्यू चल रहा था, तो कर रही हूँ मैं अरेंज, हो सकता है कहीं और हो जाए मुझे। मनी का इश्यू ही तो सॉल्व करनी है ना इस कोर्स में। राइट राइट राइट। हाँ ठीक है सब इश्यू सॉल्व हो जाएंगे आपके। मुझे एक दिमाग से उतर रहा था, आपने टाइमिंग और डेज कौन कौन से बोले थे? मैम ये 6 अगस्त से स्टार्ट है, टाइमिंग भी 6 o'clock रहेगा इन द इवनिंग, और डेज जो है मंडे वेनेसडे एंड सैटरडे, और अगर कोई क्लास मिस होगी तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको पीडीएफ नोट्स। मंडे वेनेसडे सैटरडे में भी 6 बजे से? जी मैम रोज 6 बजे से। सैटरडे वाला फिर मेरा मिस हो जाया करेगा। कोई बात नहीं मैम, देखिए ऐसे तो किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो मिस होगा, बट मिस नहीं होने देंगे इसलिए आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, ये दोनों तो ले लेंगे, ये दो डेज के तो ले लेंगे। हाँ हाँ आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपको 6 बजे से 9 बजे तक रहेगा, कितने बजे तक? नहीं मैम ये देखिए क्लास 1.5 से 2 घंटे की रहेगी। ठीक है बाकी डिपेंड करता है क्वेरीज पे और इन सब पे, क्योंकि हम जब तक सबकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो जाती तब तक फिर कंटिन्यू रहता है सेशन। थैंक यू। जी मैम। थैंक यू। हाँ मनप्रीत जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मनप्रीत कौर जी आपका हैंड रेज है, आप अनम्यूट कर सकती हैं अगर कुछ कहना चाह रही हैं। चलिए कमलेश जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी मैडम आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है कमलेश जी बताएं। हाँ मैडम नमस्कार सबको। नमस्कार नमस्कार जी जी। एक्चुअली मैडम एक पूछा था कि जैसे मान लीजिए आपका वॉइस चला गया कमलेश जी। तो हाँ मनप्रीत जी बोलो। बोले मनप्रीत जी आवाज आ रही है आपकी जी। मैं ये पूछना था मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा बोलेंगे प्लीज। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या में आप ऐसा करें अपना वीडियो ऑफ करें फिर बोले, हो सकता है आपको थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, आप एक बार अपना वीडियो ऑफ कर दें सिर्फ ऑडियो पे आप बात करें। मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में जेमस्टोन पहनने को बोलते हैं, ऐसे न्यूमरोलॉजी में होता है, इसका भी कोर्स होता है?
नहीं मैम, आपको जेमस्टोन पहनने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया हम बहुत ही सस्ती रेमेडीज बताएंगे, आपका ज्यादा खर्चा नहीं करवाएंगे, क्योंकि देखिए लोग वैसे इतना लाइफ में चैलेंजेस लेकर आते हैं, तो आपका और खर्चा नहीं करवा के आपको ऐसी रेमेडीज बताएंगे जो बहुत ही कम पैसों में आप कर सके। जेमस्टोन बहुत महंगे आते हैं मैम, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो ऐसी रेमेडीज बताई जाएंगे। हम कोर्स करते हैं आप तो हमें फिर बताओगे तो सही ना? नहीं नहीं मैम, नहीं मैम, न्यूमरोलॉजी में जेमस्टोन नहीं बताते, क्योंकि उसमें क्या है एस्ट्रोलॉजी का भी रोल होता है, ठीक है। जेमस्टोन सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेस पे नहीं बताए जा सकते, हमें कुंडली में भी देखना पड़ता है कौन सा जो प्लैनेट है डेबिटेड है क्या है ना, जेमस्टोन ऐसे नहीं बता सकते हम। ठीक है मैम, ठीक है, ओके थैंक यू मैम। जी जी हाँ, कमलेश जी बोले। हम मैडम, मेरा प्रश्न ये था कि दोनों विद्याएं जो है वो एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी दोनों ही बातों में अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है तो हम किसको मान के आगे बढ़ेंगे? नहीं नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन कुछ भी नहीं है, जब आप दोनों को सीख जाएंगे तब आप दोनों को मिला के इसको यूज करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही नहीं। नहीं, जैसे ऐसा कभी होता है क्या, मतलब मैच मेकिंग में उधर न्यूमरोलॉजी में मिल जाए और एस्ट्रोलॉजी में ना मिले? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है सर, क्योंकि उसमें भी हम दोनों चीजें देखते हैं, ठीक है। अगर इसमें भी अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते भी है ना, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर लेंगे दोनों को, ठीक है। ये आपको एक और हेल्प करेगा, बल्कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो न्यूमरोलॉजी आपको और हेल्प करेगा, एडिशनल टूल की तरह काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मैडम। मैं अभी तो ये वाला बैच तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वाला बैच ले सकता हूँ? बिल्कुल कमलेश जी, जब आपकी इच्छा हो तब लीजिए, ठीक है। थैंक यू। हाँ, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाह रहा है, कोई कोर्स से रिलेटेड या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड या किसी को और कुछ जानना हो तो आप लोग जान सकते हैं। हाँ दीपक जी, दीपक शर्मा जी। हाँ मैम, ये जो आप बता रहे हो पिरामिड वाला, हाँ, तो उसमें मतलब कैसे वो बेसिक ही रहेगा या पूरा एडवांस तक जाएगा? सर इसमें पिरामिड में कोई बेसिक एडवांस नहीं होता, ठीक है। ये मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ वर्कशॉप है, आपको कोई इस तरह से कोई भी वर्कशॉप नहीं मिलेगा। मैं आपको पिरामिड के सारे यूजेस बताऊंगी कि कैसे कैसे पिरामिड्स को हमें बनाना है, कैसे यूज करना है, कैसे आप अपनी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हीलिंग कर सकते हैं, और घर में भी आप इसका पिरामिड्स का कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर आपके बॉडी में जो पेन है डिजीज है हेल्थ में आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इससे जो चीजों को कैसे चार्ज कर सकते हैं, पिरामिड को कैसे चार्ज करना है, मतलब जो भी है आपको सब कुछ बता दूंगी, आपको कुछ इसमें एडवांस ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ दीपक जी म्यूट हो गए आप, शायद बोले। हाँ मैम ओके, बस यही जानना। ठीक है दीपक जी। हाँ विकास मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम, जैसे आपने बोला है कि एक नंबर वाला अगर आठ नंबर से शादी करता है तो अच्छा नहीं रहता है। हाँ सर, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं ना, दोनों के व्यूज कभी मैच नहीं करते। अच्छा, तो अगर हो गई है तो फिर क्या करें? हो गई है तो ब्लेसिंग है, उससे ब्लेसिंग कैसे निकालनी है वो हम सीखेंगे। हाँ, अब हो गई है तो उससे ब्लेसिंग कैसे निकालनी है, उसको बैलेंस कैसे करना है, यही तो न्यूमरोलॉजी का मैजिक है, ठीक है। यही हमें सीखना है कि जो हमारे पास ऑलरेडी चीजें हैं हम उनको बदल तो सकते नहीं, राइट। अब उससे ब्लेसिंग कैसे लेनी है ये हमें सीखना है, ठीक है। ओके विकास जी। हाँ सुनील जी, और अगर फीमेल है तो उसको प्लस फोर कर दे। बिल्कुल प्लस फोर कर दे, बहुत सिंपल है, ठीक है। थैंक यू जी जी। हाँ सपना दुबे जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा जीरो नॉलेज है इस बारे में, सो मतलब स्टार्टिंग बेसिक से सिखाया जाएगा ना? बेसिक से सिखाया जाएगा, बिल्कुल मैम। जीरो तो मेरे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि कोरे कागज पे लिखना बहुत आसान होता है, रादर देन पूरा भरा हो,
भरे हुए को तो मुझे मिटाना पड़ेगा पहले, राइट? फिर मैं उससे कुछ लिख पाऊंगी. Because I don't know the ABCD also. मैं A for apple से पढ़ाऊंगी आपको. Okay. जी. A for apple direct means मुश्किल हो जाएगा. ABCD से सिखाओगी ना? हाँ, हाँ तो ABCD होगी ना A for apple. ठीक है. ठीक है. हाँ 829017. मैम ये कुआ नंबर का क्या वैल्यू है हमारे लाइफ में? मैम देखिए मैंने आपको बताया कि आप इसको यहाँ पे जहाँ पे आप वॉच पहनती हैं वहां पे आप ग्रीन पेन से इसको लिखिए. ये आपकी हेल्थ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है. ठीक है, इससे आपको बहुत बहुत मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, आपके रुके हुए काम तक बन जाते हैं. ठीक है. अच्छा जी, जी मैम ग्रीन पेन से लिखना जरूरी है? ग्रीन पेन से ही लिखे. ठीक है, क्योंकि ग्रीन पेन एक प्रोस्पेरिटी का पेन है, लेफ्ट हैंड पे लिखना है आपको हमेशा. ओके ओके ओके, थैंक यू मैम. जी जी, माय प्लेजर. जिनका हो गया है वो हैंड डाउन कर सकते हैं क्योंकि बाकी लोगों का पता नहीं चलेगा. ठीक है, कमलेश जी, सुनील जी, विकास जी, सपना जी, हो गया आपका. ठीक है, और कोई कुछ, और किसी का कुछ क्वेरी? नहीं तो हम वाइंड अप करते हैं इसको. हाँ मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ओप्पो मैम, जो अभी आपने बताया कुआ नंबर, इस तरफ लिखना है कि इस तरफ लिखना है? नहीं मैम, यहाँ पे इस साइड में. अच्छा, इस तरफ. जी मैम. ग्रीन, ग्रीन जेल कुछ भी चल सकता है. ग्रीन मार्कर ले ले, परमानेंट मार्कर. जी मैम, क्योंकि जेल पेन तो क्लियर हो जाएगा ना. ब्लैक भी होता है, जो ब्लैक भी तो मिटके ग्रीन ही हो जाता है. नहीं 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 मैम, ऐसे मिट के नहीं, आप ग्रीन ही ले. ठीक है. हाँ आशीष जी. मैडम ये पूछ रहा था मैं कि जो आपकी क्लास होगी वो जैसे राहुल सर की क्लास होती है वैसे ही रहेगी क्या व्हाट्सएप में? नहीं सर, जैसे अभी हम जूम पे कर रहे हैं ना इसी तरह से होगी. अच्छा अच्छा अच्छा, जूम पे होगी. कंप्लीट जूम पे होगी, 100% जूम पे होगी. व्हाट्सएप पे? अच्छा 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 अच्छा, तो मैडम जैसे क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी. अच्छा, मतलब जैसे पर्सनल में आप मैसेज करते हैं वैसे इसका भी कर देंगे मतलब? हाँ सर, आपका ग्रुप बनेगा, आपका ग्रुप बन चुका है इनफैक्ट ऑलरेडी. उसी ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, उस ग्रुप में आपको लिंक भी आएगा और रिकॉर्डिंग भी आएगा. ठीक है मैडम. हाँ जुम्मा दत्ता जी. हाँ मैम, मेरा नंबर है 3 और मेरा हस्बैंड का नंबर 3, तो क्या होता है? तो दोनों का 3 है, दोनों का 3, दोनों के 3 है. हाँ हाँ मैम, अच्छा है, दोनों नॉलेजेबल हैं आप. कोई दिक्कत नहीं है. हाँ जी ठीक. हाँ अंशु जी. मुझे पूछना था कि ये 11 में से माइनस करते हैं और 4 में प्लस करते हैं कुआ नंबर, इसका रीजन क्या है? 11 और 4 ही क्यों लिया हमने? मैम जैसे 2+2=4 होते हैं ना, कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, उसी तरह से आप इसको एक फॉर्मूला मान के चले. ये फॉर्मूला है. अंशु जी कहाँ गए? हाँ अंशु जी, अंशु जी आपका आवाज बंद हो गया. हाँ हाँ जी मैम, यही पूछना था मुझे बस. हाँ ये फॉर्मूला है मैम, आप इसको ऐसे याद रखें. ओके ठीक है. हाँ ठीक है. हाँ ये आई थिंक सबका हो. ओके ठीक है, तो आज का सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं. आप लोग इस कोर्स को जरूर एनरोल करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और काफी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी जो आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सुनील जी, कोर्स का जो फीस है वो 6,400 है कंप्लीट कोर्स का, जिसमें आपका बेसिक, एडवांस, प्रोफेशनल, बिजनेस, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नेम करेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग रहेगा. पिरामिड का वर्कशॉप अलग से रहेगा और रेमेडीज का वर्कशॉप अलग से रहेगा. सर्टिफिकेट भी इसमें आपको मिलेगा. ठीक है, और इसके अलावा आपको पर्सनल रिपोर्ट भी मिलेगी, जिसमें आपका 10 ईयर्स का आगे पर्सनल ईयर कैसे रहेंगे वो भी सब आपको इसमें दिया जाएगा. और कोर्स खत्म होने के बाद में आपको लाइफ टाइम फ्री प्रैक्टिस ग्रुप भी रहता है, आप जिसमें कोई भी क्वेरीज हो आप कभी भी पूछ सकते हैं, और भी लोग होते हैं जिनके साथ आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, और कुछ जानना चाहते हैं? नहीं नहीं, थैंक यू, थैंक्स. हाँ ओके ओके ठीक है, तो आप, आपको जहां से भी लिंक मिले आप वहां पे एनरोल करवा सकते हैं. ठीक है, आप उनसे बात करके एनरोल करवा सकते हैं.
हाँ पूजा जी बताएं। हाँ पूजा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम क्या आप सॉफ्टवेयर भी देंगे इसके साथ? हाँ मैम कैलकुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर देंगे आपको। अच्छा जैसे कुआ नंबर कैलकुलेट करना है, कुआ नंबर भी, ड्राइवर नंबर और आपका जो नेम करेक्शन चैलेंज चार्ट, वो आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, फ्री सॉफ्टवेयर। ओके न्यूमरोलॉजी का फुल वो तो अलग होता है, वो तो नहीं, नहीं मैम वो तो मैम वो नहीं होता, वो कॉस्टली होता है। जी 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 मैम थैंक यू। ठीक है और कोई? चलिए ठीक है तो आज का हम सेशन वाइंड अप करते हैं। आई थिंक किसी का और कोई क्वेरी नहीं है। ठीक है अगर आपको कोई क्वेरी हो कुछ भी हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनके थ्रू आपको लिंक मिला है। राहुल सर है जो फलित ज्योतिष संस्था के डायरेक्टर हैं, आप आपके पास उनके भी नंबर है, आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पंकज मालपानी जी हैं हमारी टीम में, मिस्टर अपूर्व व्यास जी हैं, तो आप जिनके भी कॉन्टेक्ट में हैं आप उनसे कॉन्टेक्ट करके आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। जिनके पास मेरा नंबर है आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है एंड थैंक यू सो मच। और भी कुछ आपकी क्वेरीज हो तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। 6 तारीख से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। चलिए मिलते हैं फिर क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बाय बाय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।